We all use internet in our daily life. But have you ever thought how exactly your data gets transferred from one point to another point? It is with the help of optical fiber. Now, what exactly is optical fiber? You directly plug a wire, a white color cable in the router of your Wi-Fi or directly to your PC or your laptop. Now, this wire is called as optical fiber. Optical fiber is usually used for long distance communication because the losses in this wire is very, very less. As it uses light, so the efficiency is greater as compared to normal electrical wire. So let us start learning about optical fibers. Now, optical fiber works on the principle of total internal reflection. Now, as you all remember, total internal reflection was if angle of incidence is greater than the critical angle of incidence, the ray of light gets reflected. Now, this is called as total internal reflection. Optical fiber uses the same principle to propagate the data from one point to another point. So, let us start. Now, let me consider an optical fiber. Now, this is a fiber, looks like a normal wire. Let me see its cross section. Okay, cut it from the between. आधा पार्ट निकाल दिया, अभी ये बच गया हम लोग का इनर पार्ट. यू कैन सी अंदर एक कर्व है, ऊपर थोड़ा बहुत थिकनेस है. नाउ दिस थिकनेस ऑफ द वायर इज कॉल्ड एज क्लैडिंग. ओके, सो द आउटर कवरिंग ऑफ अ वायर इज कॉल्ड एज क्लैडिंग. अभी ये वायर है, हमने इसको काटा क्यों? ताकि हमको पता चले कि अंदर चल क्या रहा है. ओके, सो अंदर का चीज देखने के लिए हम लोग हमेशा कोई भी चीज का क्रॉस सेक्शन लेते हैं. ओके, मतलब सेंटर से उसको कट करते हैं. नाउ हियर वी हैव अवर ऑप्टिकल फाइबर. अभी होता क्या है, इफ यू सी ऑफ यू सेंड योर डेटा, ओके, तुम लोग का डेटा आता है, अंदर ट्रेवल हुआ, डेटा आएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट. रिमेंबर, ऑप्टिकल फाइबर डेटा ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन और लाइट. ओके, लाइट के फॉर्म में डेटा आगे की तरफ जाता है. अभी जब लाइट के फॉर्म में जाएगा, यूजुअली इट यूजेस इंफ्रारेड रेज. ओके, जैसे ही लाइट आया, आके स्ट्राइक हुआ. अभी इधर वी मेक श्योर दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज नॉर्मल. ओके, नॉर्मल बनाया. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रे ऑफ लाइट सफर्स रिफ्लेक्शन. ओके, अगर रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट अपना वायर के बाहर चला जाएगा, हम लोग को वो लॉसेस नहीं चाहिए. तो हम लोग ने क्या किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट हुआ, आया, आके नीचे वाले सर्फेस पे टकराया. जैसे ही आके नीचे वाले सरफेस पे टकराया, नीचे वाले सरफेस के लिए दिस रिफ्लेक्टेड रे इज नथिंग बट एन इंसिडेंट रे. जैसे ही आके टकराया, द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू ड्रॉ इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस कॉल्ड एज नॉर्मल टू द सरफेस. अभी भी हम लोग का कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा. जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, ऊपर वाले सर्फेस पे जाके टकराया. जैसे ही जाकर टकराया, सबसे पहले क्या बनाएंगे, और लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस कॉल्ड एज नॉर्मल टू द सरफेस. ऊपर वाले सरफेस के लिए कौन सा रे बन गया हम लोग का, इंसिडेंट रे. तो अभी इसमें वापस कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, मींस द रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड. वापस जाएगा नीचे, वापस टकराएगा, वही कंडीशन. वापस रिफ्लेक्ट होगा, वही टकराएगा, वही कंडीशन. Due to continuous internal reflections, क्या होगा, हम लोग का लाइट बाउंस होते होते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, एंड योर डेटा विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. द बिगेस्ट बून ऑफ दिस वायर इज द लॉसेस आर वेरी 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 लेस, मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी हाई. दैट इज द रीजन इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा थ्रू इंटरनेट.